हेलो कैसे हैं आप सभी मेरा ऐसा मानना है कि मस्त होंगे और अच्छे से चल रहा होगा सब कुछ और कामना करता हूं और आपका जीवन और अच्छे से चले आजकल सोशल मीडिया पे एक अभियान छिड़ा हुआ है और उस अभियान का नाम है बाइकाट मालदीव यहां पर मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि इस सारी की पृष्ठभूमि जितनी भी ये बाइकाट मालदीप चला है ये कैसे आया क्यों चला इसके एक एक करके हम इसकी बातें करेंगे आप किसी भी फील्ड से जुड़े हैं चाहे आप एक सामान्य नागरिक हैं चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं या फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि हमारे बहुत सारे प्रतियोगी छात्र हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा उसमें जानकारी के लिए हेल्प करेगा आप कोई मेंस एग्जाम लिख रहे हैं उसमें कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए भी आपके ये फायदा पहुंचाएगा इसलिए वीडियो को पूरा देखें अच्छे से देखें क्योंकि ये आपके लिए बनाया गया वीडियो है तो बात यहाँ पे कर रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अः वो लक्षद्वीप गए लक्षद्वीप जो कि हमारा ही एक भाग है बहुत ही शानदार खूबसूरत ऐसी जगह है जो प्राकृतिक रूप से बहुत ही ज्यादा आप देखेंगे एकदम से दिल खुश हो जाए इस तरीके के मूंगे से बना हुआ है मूंगे के जो जीव है उनके कई बहुत सारे सालों में वहां पर जो चट्टान बनी है उसमें मिट्टी मड से मिलकर के वो दीप बने हैं छत्तीस के करीब दीप है और राजधानी कावरती है। है। तो यहाँ पर जब हमारे प्रधानमंत्री जी गए देखेंगे इन्होंने वहां पर कुछ क्या किया फोटो शूट कराए अपने वहां की जगह को दिखाया देखो आज मैं लक्षद्वीप आया हूँ कितनी खूबसूरत जगह है बहुत ही बढ़िया जगह और एक वहां पर जो एक होता है ना जिसको एडवेंचर बोलते हैं उन्होंने वहां पे एक डुबकी लगाई और समुद्र में दिखाया उनको कि देखो हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है पता नहीं क्यों जैसे ही इन्होंने ट्विटर पे ये फोटो डाले तो मालदीप के कुछ ऐसे ना कि जिनको कोई ज्ञान नहीं है कुछ नहीं है मालदीप के तीन मंत्री जिनको मैं दिखाना चाहता हूँ इनकी शकल में देखना तो नहीं चाहता लेकिन आप भी थोड़ा सा देखिए इनको देखना जरूरी है किसने क्या कहा मरियम सियोना जो उसका बहुत ही भद्दा ट्यूट था एक ऐसे प्रधानमंत्री के लिए जो दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रधानमंत्री है नेता है जिसको दुनिया बहुत ज्यादा मानती है लोग उनके पैर तक छूते हैं बाहर के नेता आपने देखा है न्यूज में और हमारा देश एक बहुत सभ्यता के रूप में इकोनॉमी के रूप में सांस्कृतिक रूप से हम हमारा स्तर बहुत बड़ा है हम दुनिया के सातवें नंबर के देश हैं क्षेत्रफल में जनसंख्या में हम पहले नंबर पे हैं इस समय और हमारी इकोनॉमी पांचवें नंबर की है जो बहुत ही जल्दी तीसरे नंबर की हो जाएगी एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से बोल देना ये सभ्यता के खिलाफ है और उस देश के प्रधानमंत्री के बोलना कि जिसको मालदीव को पाला पोसा एक तरीके से कहते हैं ना कि बच्चे को जवान करना उसके पूरे जिंदगी को संवारना मालदीप में आज जो कुछ भी है ना वो भारत की बदौलत है भारत ने किया है वहां सब कुछ किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए आप शिक्षा में, 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 ली 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 में ले ले लीजिए लीजिए आधारभूत संरचनाओं में लीजिए हॉस्पिटल्स में ले लीजिए साइंटिस्ट में ले लीजिए डॉक्टर्स में ले लीजिए इंजीनियर्स में ले लीजिए सब इंडियन अगर इंडिया वहां पर नहीं करता तो ये जैसे होता ना कि जंगली टाइप लोग इस तरीके के रह जाते आज जितने भी सभ्य बने हुए हैं उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है और उस देश के प्रधानमंत्री को ये लोग ऐसा बोल रहे हैं बायकट माल दी ना अगर इससे भी केड़ा कोई अभियान चलाया जाए तो मैं उसका समर्थन करता हूं क्योंकि गुस्सा है भारत के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है मुझे भी गुस्सा है आप सब लोगों को गुस्सा है हमारे प्रधानमंत्री को ऐसे कैसे बोल सकता है एक टुल्लू सा देश जिसकी कोई क्या है क्षेत्रफल उसका दिल्ली से थोड़ा सा बड़ा है एक दिल्ली शहर है ना उसके बराबर भी क्षेत्रफल बस उसके बराबर मान लो किसी स्टेट के बराबर उसका क्षेत्रफल नहीं है मालदीप का खैर ये बात थोड़ी गुस्से की है गुस्सा होना लाजमी है लेकिन हम पॉइंट टू पॉइंट बातों पे आते हैं जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमारा आपको सही से जानकारी देना है अब इसमें थोड़ा सा हम मालदीप के बारे में सोचते हैं कि मालदीप जो है आपका जैसे कि शब्द आता ना मालदीप इससे ही पता लगता है आपको कि मालदीप का मतलब है मालादीप प्योर संस्कृत का शब्द मालादीप और मालादीप से बना मालदीप दीपों की माला छोटे छोटे दीप हैं माला के रूप में लगते हैं हिंद महासागर में और भारत के लोगों का ही बसा हुआ है आप कालांतर में पढ़े होंगे रिसर्च से पता चला ये कि वहां आज के जितने भी लोग डोल रहे ना अपने आप को ये आज बॉर्डर सम, ये समझते हैं कि हम तो कहीं और के हैं इन लोगों के पूर्वज भारतीय थे मालदीव में सबसे पहले बसने वाले इंसान कालीबंगा और गुजरात से गए थे वहां पे पहले हिंदू लोग थे पहुंचने वाले सनातनी और उसके बाद बुद्धिज्म ही गए वहां पे बुद्ध लोग ये हजारों साल का पुराना बता रहा हूं जब ये आज के लोग आज उस समय इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं थी हम सांस्कृतिक रूप से वो लोग हमसे हम नहीं वो लोग हमसे सांस्कृतिक रूप से सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं हमारी बहुत सारी चीजें वह आपको मिल जाएंगी सामाजिक रूप से भी मिल जाएंगे तो अरे भाई तुम अपनी औकात जानो तुम्हारी औकात हमारे बिना कुछ भी नहीं है आज जो भी कुछ तुम्हारे पास है वो भारत का दिया हुआ है भारत का किया हुआ है आप उस देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से बोलते हो हमारे देश से इस तरीके से नफरत करते हो ये तो वही कहावत होगी ना हमारी बिल्ली हमारी हमको म्याऊ अब यहां पर आपको थोड़ा सा बता रहा हूं मैं अब आता हूं मैं 1965 में पहले थोड़ा सा इसकी मालदीप की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं टुल्लू से देश की औकात बताता हूं आपको मैं सन 1965 में ये ब्रिटिश कलो उससे पहले ब्रिटिश कलोनी था सन 1965 में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजाद हुआ है और उस आजादी में भारत ने पूरा समर्थन किया है कि ये देश आजाद होना चाहिए उसके बाद में यहां पे कई सरकारें हुई हैं और सारी सरकारें का यही मोटिव रहा है कि बहुत होशियार आदमी थे और वो सभी लोग ये चाहते थे कि अगर हमारा विकास होना है हमारा कुछ भी फायदा होना है तो भारत के साथ ही हो सकता है अगर हमें भारत के साथ चलना है तो हमारा विकास होगा सारी गवर्नमेंट ने भारत से जो भी मदद मांगी भारत ने एक रुपए की मदद मांगी भारत ने सौ रुपए का, का काम किया होता है एक उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं आपको वहां पर शुरू में कोई बैंक की व्यवस्था नहीं थी इसी से अंदाजा लगा लीजिए आप तो हमारे यहां का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है बहुत बड़ा बैंक है उसने मालदीप के बैंक की भूमिका अदा की है कि जो लेन देन हो दुनिया से उसमें बैंक की जरूरत पड़ेगी तो हमारे बैंक ने पूरी ईमानदारी के साथ मालदीप के बैंक की भूमिका अदा की काफी दिन तक अब भी कर रहा है अरबों रुपए स्टेट बैंक का मालदीप पे बकाया है आज मांग ले कंगाल से भी कंगाल कोई होता है ना कि जिसके पास चड्डी भी ना रहे वो स्थिति हो जाएगी मालदीप की आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सारा पैसा मांग ले खैर उन्नीस के बाद में एक वाक्य होता है सन उन्नीस में और एक राष्ट्रपति थे बड़े ईमानदार जिनका नाम आपको पता होगा इनका नाम है अब्दुल्ला ग्यूम भारत की वैल्यू अच्छे से जानते थे और भारत के साथ खड़े रहते थे वहां पर एक दूसरा आदमी था बिजनेसमैन था उसका अपना निहित स्वार था वो कोई मालदीप के लिए भलाई की काम नहीं करता था और बिजनेसमैन को आप जानते बिजनेसमैन की तरह से ही सोचता है उसका नाम है अब्दुल्ला लतीफी उसने इनकी सरकार को गिराने की कोशिश की वहां पर तानाशाही एक कट्टरपंथी सरकार लाने की कोशिश की और ये बात 1980 की बता रहा हूं मैं पहला प्रयास किया कामयाब नहीं हुआ दूसरा प्रयास किया उन्नीस में और सबसे जोरदार प्रयास किया अब्दुल्ला लतीफी ने उन्नीस में श्रीलंका के जो आतंकवादी संगठन थे उनसे मिलकर के वहां के आतंकवादी संगठन अपने यहां बुलाए और कहा कि आप इस सरकार के खिलाफ एक्शन लो मैं आपको पैसा दूंगा वो बिजनेसमैन कह रहा है और वहां पर श्रीलंका से आतंकवादी गए हैं एक लोकतांत्रिक सरकार को कैप्चर करने के लिए जब इनको पता चला तो वहां की गवर्नमेंट ने भारत से हेल्प मांगी है भारत से हेल्प मांगने से पहले वो लोग सबसे हेल्प मांग रहे हैं अब्दुल्ला श्रीलंका से कह रहा अपने लोगों को वापस बुलाओ पाकिस्तान से बोला यार हमारी सहायता करो चीन से बोल रहा हमारी सहायता करो अमेरिका से बोल रहा हमारी सहायता करो ब्रिटेन से बोल रहा हमारी सहायता करो ब्रिटेन कह देता है भाई भारत से सहायता मांगो जैसे ही भारत को कॉल किया जाता है इस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे आपको बताऊं मैं तो जैसे ही कॉल किया जाता है दस घंटे के अंदर मालदीप में मदद पहुंच जाती है और हमारे जो होते ना कि हमारे यहां का सैनिक जो लड़ने में एकदम माहिर है बहुत जल्दी इन सब लोगों को कैप्चर कर लेते हैं जो आतंकवादी गए थे जो सरेंडर नहीं करते उनको गोली से उड़ा दिया जाता है क्योंकि जो सरेंडर नहीं करता और बगावत करता है उसका इलाज यही होता है और बाकी को बंदी बना लिया जाता है और वहां पे एक लोकतांत्रिक सरकार को बचाया जाता है ये कहें कि मालदीप को बचाया जाता है ये बहुत बड़ा एहसान है भारत का क्योंकि अगर वो भारत उस समय एक्शन नहीं लेता तो आज मालदीप के हालात सीरिया पाकिस्तान जितने भी कट्टरपंथी देश हैं और जहां पे देख रहे हो कि जीवन नाम की कोई चीज नहीं है अफगानिस्तान ले लो कोई भी ले लो ऐसी हालत मालदीव की होती तो उसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से भारत ने बचाया कितना कुछ कहूं अभी जल्दी देख लो आप 2019 में कोविड 19 आया दुनिया तहस तहस हो गई सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई दुनिया रुक गई पैंडेमिक था भाई लोगों ने बहुत कुछ खोया पर्यटन उद्योग पर टिका हुआ है मालदीप चौवन परसेंट मालदीप में जो जीडीपी का हिस्सा है चौवन परसेंट वो यहां के पर्यटन का है तो पर्यटक आने बंद हो गए पैसों के लाले पड़ गए आज चाइना जितना हितसी बना हुआ है मालदीप का ये इसने भी नहीं पूछा मालदीप को भारत ने कहा भाई है तू मेरा मुझे बता क्या जरूरत है तो बोलो हमको वैक्सीन दे दो वैक्सीन नहीं है हमारे पास हमको कुछ पैसा भी दे दो हमें बहुत जरूरत है भारत ने कहा यार ये तो हम हमारा काम है जब हमारा पड़ोसी है पैसे मांग रहा है और उसको हेल्प चाहिए तो हम बढ़ करके देते हैं तो कोविड नाइनटीन की जो वैक्सीन बनाई भारत ने मालदीव को उपलब्ध कराई पांच लाख के करीब जनसंख्या चुटकियों में वैक्सीन लगवा दी इंडिया ने सबको और पैसे की जरिए करोड़ों डॉलर मालदीव को दिए भाई तुम तो परेशान मत हो किसी भी तरीके से हम है ना आज ये लोग जो अभी दिखाया था मैंने आपको फिगर मरिया मरियम सियना अगर कहीं मेरी आवाज तेरी तक पहुंचे तो सुन ले अपनी औकात जान ले सारी चीजों को जान लो जितने भी जो भारत के खिलाफ बोल रहे हैं ना आप अगर कोविड नाइनटीन में भारत अगर आपको हेल्प नहीं करता तो तहस नहस वहां भी हो जाते आप तो वहां भी बचाया भारत ने अब यहां पे सारी चीजों के लिए आए ये तो रही भारत का योगदान अब यहां पर आए कि मालदीप ऐसा कर क्यों रहा है अब यहां पर मैं आपको बताऊं इससे पहले जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम सुलही काबिल राष्ट्रपति है 2018 से 2023 के बीच में रहे हैं इब्राहिम सुलही वो ये जो जेंटल लोग होते हैं ना कहीं पे भी हैं वो देश के बारे में अपने देश के बारे में सोचते हैं उसने सोचा उसने काम किया भारत के साथ मिलकर के और एक समझौता किया था यूटीएफ फॉर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप उन लोगों के लिए यूटीएफ समझौता समझना चाहिए और जनरल आदमी उनको भी समझा यूटीएफ क्या था तो ये उमरू फलेहू इसका फुल फॉर्म जो है उमरू थिला फलेहू है और यह समझौते का जो एक वो था मजमू वो यह था कि एक संयुक्त फोर्स बनाई जाएगी और वो संयुक्त फोर्स जो है मालदीप और भारत के हितों के साथ साथ काम करेगी समुद्रीय तटीय इलाके जो मालदीप के पड़ते भारत के प्रति आसपास की जो के जो इलाकों के पड़ते उनको सुरक्षा प्रदान करेगी कितना बढ़िया समझौता था इस जो मौजूदा राष्ट्रपति है आपका आठवां राष्ट्रपति है ये मोहम्मद मुइज्जू इसने आते ही वो समझौता रद्द कर दिया चीन के कहने पर क्योंकि चीन नहीं चाहता कि मालद्वीप वाली जगह पर कोई चीज भारत के कंट्रोल में रहे उसको दूसरे तरीके से मैं आपको समझाता हूं बच्चों देखिए सभी मेरे भाई बहने समझे कि यहां पर जो ये आप मालदीप की कंडीशन देख रहे हैं ये थोड़ा सा हिस्सा लिया है मैंने भारत का इसमें दिख रहे हैं आप साउथ हिस्सा आ रहा है श्रीलंका भी आ रहा मालदीप के द्वीप आ रहे हैं जो मालादीप की तरह है तो चीन क्या कहता है अब्दुल्ला यामीन जो अब्दुल्ला इब्राहिम सिलेही से पहले हुआ था राष्ट्रपति उसने जो चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है अपने परिपेक्ष में जो चीन चलाता है उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसका हिस्सा बना लिया मालदीव को एक अब्दुल्ला यामीन भी राष्ट्रपति हुआ है जो भारत के खिलाफ और चीन समर्थक माना जाता है तो ये दो लोग हैं अब्दुल्ला यामीन और मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मोजू तो ये चीन कहता है कि मैं यहां से दुनिया के विकास के लिए एक रास्ता बना रहा हूं उसका यह हिस्सा है मालदीव अरे भाई चीन की नीति को कौन नहीं जानता जो उसके भुक्त भोगी है वो तो जान ही गए हैं और सारी दुनिया जानती है चीन यहां पर कोई भी चीजें इसलिए कंट्रोल करना चाहता है इधर से तो चला हुआ है उसका फिलीपींस से झगड़ा दक्षिण चीन सागर में आप जब समझेंगे और इधर वो यहां आकर के मालदीप पर अपने हक में करना चाहता है पैसे दे करके उसे उस पर कर्ज थोप करके कि यहां पर कोई अपना वो मिलिट्री बेस बना ले जिससे वो यहां की चीजों को कंट्रोल करे और यदि भारत से कोई कंफ्लिक्ट की स्थिति पैदा हो तो ऊपर से तो उसका देश पड़ता है या नीचे से भी भारत में दबाव डाल सके सारी बात है ये तो चीन पैसे के लालच दे करके मालदीप से ये सारे कमेंट कर रहे हैं ना ये अपने आप उनके पेट से नहीं आ रहे चीन कहलवा रहा है इनसे कि आप ऐसा कहो मैं तुम्हारी है, तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं चीन किसी के साथ नहीं हो सकता इन नालायक लोगों को भी समझ में आएगा एक दिन कि चीन जिस प्रकार श्रीलंका को बर्बाद कर दिया है चीन ने पाकिस्तान को बर्बाद किया आज जितनी भी पाकिस्तान में कंडीशन खराब है ना उसके लिए चीन ही रेस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान के अंदर जो भी चीज उसने बनाई है रोड बनाए हैं टोल टैक्स लेता है अपने यहां पैसा चला जाता है तो पैसा निकाल रहा है अपना और दूसरा कर्ज भी उतना ही रखे हुए है उस श्रीलंका को जब कर्ज नहीं पटा तो एक द्वीप अपना निन्यानवे साल के लिए लीज पे देना पड़ा तो वो तो झांसा डालता है दाना फेंकता है और फंसाता है तो मालदीप का भला करना उसकी पॉलिसी में नहीं है ये जल्दी ही इनकी समझ में आ जाएगा तो मेरा कहने का मतलब है यहां पे कि यह मालदीप के लोगों को समझना चाहिए कि चीन यहां पर कोई भी काम ऐसा नहीं कर रहा जिससे कि आपका कोई विकास हो ऐसा आपको निकाल देना चाहिए दिमाग से उसकी पॉलिसी दूसरी है वो फंसा लेता है जाल में फिर अपने हिसाब से यूज करता है रही बात यहाँ की तो इस स्थिति में अब आते हैं अपने देश पे कि भारत को यहां पर क्या करना चाहिए भारत को यहां पर जो भारत के समर्थक लॉबी हैं भारत के समर्थक वहां ज्यादातर लोग भारत समर्थक हैं और वहां पे बहुत सारे नेता भारत समर्थक हैं इब्राहिम सिलेही है तो ये इन लोगों को वो फुल सपोर्ट करें इंडिया हम उनको पूरा सपोर्ट करें क्योंकि हम मालदीप से दूर नहीं जा सकते क्योंकि हमें पता है कि अगर हम मालदीप से दूर हो गए तो मालदीप बर्बाद भी हो जाएगा और चीन का वहां कब्जा होगा जो हमारे लिए ठीक नहीं है तो हमें वहां पर ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि जिससे हमारे मालदीप से रिलेशन अच्छे रहे क्योंकि चीन के कंट्रोल में मालदीप कभी भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं मोहम्मद मौजू को भी कहीं थोड़ा बहुत अकल है बेशक वो भारत के खिलाफ है उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी अकल है तो उसको भी थोड़ा लगता होगा कि एक चीन का कब्जा हो गया तो यहां से चीन को हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो उसको ईश्वर सदबुद्धि दे थोड़ी सी इस मामले में और यहां पर हम जो बता दिया है कि इंडिया को इस तरीके से अपनी रणनीति चलानी है इस तरीके से कार्य करना है कि वहां की जो जनता है वो भारत से दूर ना हो उसके जनता के दिमाग में बात आए कि भारत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पांच साल का समय है गुजर जाएगा पांच साल बाद दूसरी सरकार आएगी सरकार ये भी जा सकती है लेकिन हमें जो हमारे समर्थक लोग हैं उनको हमें छोड़ना नहीं है क्योंकि मालदीप हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है रही बात ये कि जिस पे कमेंट हुए थे कि हमारा लक्षद्वीप पे जो हमारे गए थे प्रधानमंत्री वहां पे जो उन्होंने उल्टे सीधे कमेंट किए हैं मालदीप के नेताओं ने उसकी झलक देख लीजिए आप ये सारी जितनी भी फिगर है मालदीप की है कितने अच्छे बीच है और बहुत ही सुंदर दृश्य है अभी जल्दी ही एक एयरपोर्ट बनाया गया है आपको दिख रहा हो और जब वहां पे समुद्र में पानी में घूमी तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे जीव मिलेंगे आपको देखने के लिए और यहाँ पे देखो जो प्राकृतिक संपदा है बहुत ही बेहतरीन है अपने देश का विकास करना अपने देश के किसी क्षेत्र का विकास करना ये हमारा अधिकार है हम संप्रभु राष्ट्र हैं हम अपनी जनता का कैसे विकास करेंगे कैसे उसको वहां के पर्यटन उद्योग बढ़ाएंगे ये हमारा काम है हमारे प्रधानमंत्री जी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो जाएंगे कहीं भी जाए अपने देश में किसी दूसरे देश में तो नहीं गए थे अपने देश में कितना भी विकास करें यह हमारा अधिकार है और गवर्नमेंट हमारी कर रही है जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो इसमें काम बहुत ज्यादा कर रही है पीछे की गवर्नमेंटों ने थोड़ा सा काम यहाँ पे सही से नहीं किया है लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट यहाँ पर पूरा ध्यान दे रही है इसको विकास करा रही है तो मेरा यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि यह हमारा मामला है हम लक्षदीप को कितना ही विकास करें उस पर पर्यटन उद्योग बढ़ाएं लेकिन हमें यहां मालदीप के बारे में भी सोचना है थोड़ा सा कि वो चीन के पास ना जाए और वैसे बायकाट मालदीप करके हमने उसको पूरी औकात दिखा दी दिखा दी है कि क्या स्थिति है घुटनों पे आ गए मालदीप एसबीआई ने पैसे मांगने शुरू कर दिए हैं मामला इतना हेल्प नहीं करेगा चाइना इतना पैसा नहीं कि इंडिया का पैसा हम दे देंगे नहीं और मालदीव को पता चल गया है कि भारत की औकात क्या है भारत कितना बड़ा देश है कितना पावरफुल देश है और भारत उसके हित में है सच्चा भारत है जल्दी ही पता लगने वाला है मालदीप और मैं कहूं कि उसको जल्दी से जल्दी इस चीज का एहसास हो जाए और वो समझे हमारी वैल्यू क्या है उनके लिए इसी आशा के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत